सो वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ओप्पो A16 मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को कर सकते हो, यानी कि स्मार्ट कॉल कैसे सेटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कन्वीनियंस टूल्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वीनियंस टूल्स, तो इसी पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गेस्चर एंड मोशंस का, यहाँ पर लिखा हुआ है गेस्चर एंड मोशन, इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर जो है कई ऑप्शन दिए गए, सारे मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है रेस्ट टू वेक, यानी कि आप जैसे ही अपने मोबाइल को उठाओगे तो यहाँ पर जो है आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक ही स्क्रीन ऑन हो जाया करेगी। उसके नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स, तो गाइज ये ऑप्शन जो है आपके स्मार्ट कॉल सेटिंग के अंदर आता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके पास कोई कॉल आएगी तो इसको अगर इनेबल कर दोगे तो कॉल आते ही जैसे ही आप अपने मोबाइल को जो है आप ईयर अपने ईयर के पास ले जाओगे, अपने कान के पास ले जाओगे, तो ऑटोमेटिक वो रिसीव हो जाएगी। उसके नीचे एक ऑप्शन है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीवर, इसका मतलब गाइज ये है कि अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आप अगर आप बात कर रहे होंगे और हैंड्स फ्री पर बात कर रहे हैं और जैसे ही आप अपने मोबाइल को अपने कान के पास ले जाओगे तो ये जो है आपके कान कान के पास जो स्पीकर होता है रिसीवर, उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। उसके नीचे एक ऑप्शन है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही है और आप अगर आप अपने मोबाइल को फ्लिप कर देते हो तो वहाँ पर जो है आपका कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा। अब गाइस ये जो इतने ऑप्शन मैंने आपको बताए ये सारे के सारे यहाँ पर जो है स्मार्ट कॉल सेटिंग के अंदर आते हैं, इनमें से यही सबसे मेन है। और आप चाहो तो नीचे वालों को आप ऑफ ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज इस तरीके से इन सभी को आप इनेबल करके आप अपनी कॉल को स्मार्ट बना सकते हो। इस तरीके से आप बहुत ही जो है स्मार्ट फीचर को यूज़ कर पाओगे। गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।